जी अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों क्या हाल वाल है, खैर खैरियत है। ये अपना अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान की दौलत नसीब फरमाए और आप लोगों की हर मंजिल आसान फरमाए। वो दोस्त पूछ रहे थे ज़कावत हिस्स के लिए, तो ज़कावत हिस्स के लिए मैं आप लोगों को उसका एक बता रहा हूँ, वो मतलब इस्तेमाल करें, वो इंशाल्लाह मतलब बेहतरीन नुस्खा होगा। अनुसार से एक मिलती है आप लोगों को 54, ये नुस्खा नंबर एक समझ लो। 54 के नाम से एक तुखा में मिलेगा, उसको लेके उसको पीस लेना है, पाउडर करा लेना है। पाउडर करा के एक चम्मच सुबह और एक शाम दूध के साथ, ये 15-20 दिन जब आप लोग खाएंगे ना, तो ये आप लोगों की मनी पत्थर की तरह गाढ़ी कर देगा। जब मनी गाढ़ी हो जाएगी तो ज़कावत हिस भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दोस्त जितने भी हैं ना, चाहे हकीम हैं चाहे कोई और हैं, तो ये मेहरबानी किया करें, जो मतलब इस मर्द के जो मरीज़ होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मतलब अपना जो गलत कार्य करते हैं पहले उनसे तौबा तैब करें, तब आप लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, वरना कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। चाहे आपको सोने के काक भी खिला देना, हमेशा याद रखें कि जो चीज़ नुकसान देती है उससे किनारा करें। जब उससे किनारा आप लोग करोगे, तो जब कोई दवाई भी खाओगे तो अल्लाह पाक फिर मेहरबानी फरमाता है, ठीक है। तो ये 54 सिर्फ मुफरद ये सफूफ इस्तेमाल कराएं। नंबर 2 कोंच सफ़ेद, मूसली सफ़ेद, ताल मखाना, मूसली स्याह और शकाकल मिसरी, असगंध नगोरी, ये 6 चीज़ें हैं। और 7वीं कलवंजी, ये सारी चीज़ें बराबर वजन लेके इनका सफूफ बना लें। 1 छोटा चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ करें, कम से कम 15-20 दिन, महीना। अगर ज़्यादा जिनको ज़कावत हिस या जरियान दात लाम कोई चीज़ आती हो या मतलब मनी पतली हो, तो वो कम से कम 40 दिन ये कोर्स कर लें, तो इंशाल्लाह इसके आला रिजल्ट आप लोगों को आएंगे। तो ये दोस्तों के लिए स्पेशल मतलब है, ये अमसाक भी पैदा करेंगे, दोनों नुस्खे जो है ना, अमसाक भी पर पैदा करेंगे, मतलब मजीद भी जो स्पर्म कमियाँ उनको पूरा करेंगे, बाकी और भी इनके बहुत सारे फायदे हैं। ज़कावत हिस ख़त्म हो जाएगी, जरियान धात कतरे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए तोहफा है दोस्त, बहुत